बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते चल, एनसीओसी की मीटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वज़ीर तलीम शफकत महमूद साहब और तमाम सूबों के वज़ीर तलीम की ज़ेर सदारत ये मीटिंग जारी है। इस मीटिंग में बड़े फ़ैसले किए जाएंगे। 90% से ज़्यादा चांसेस है कि तमाम तलीमी इदारों को मज़ीद एक मंथ के लिए बंद किया जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की डेटों को जो है वो बढ़ाया जाएगा, एग्जाम को पोस्टपोन जो है वो किया जाएगा। इसके बहुत ज्यादा चांसेस जो है वो आ चुके हैं। आपने देखा कोरोना केसेस के मुस्बत आने की शरह जो है वो 9.3 तक जा पहुंची है, और वजीर आजम की वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना हो चुका है, उनका कोरोना पॉजिटिव आया है, और जिसके पेश नज़र जो है अलार्मिंग सिचुएशन जो है वो पैदा हो चुकी है और मज़ीद तलीमी इदारों को बंद किया जाएगा। जैसे ही ये मीटिंग ख़त्म होगी, वज़ीर तलीम शफकत महमूद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो हतमी फ़ैसला किया जाएगा। जैसे ही हमारे पास कोई अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।